रानी नहीं है तो क्या हुआ, ये बादशाह आज भी लाखों दिलों पर राज करता है। मेरे डबुवती भोसले काली कार है, मेरे डबुवती भोसले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनु में जे यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल न्यू वीडियो में और भाई का लेवल देख सकते हो 66 है। तो चलो यार भाई, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ भाई, मेरा रियल वाला इंस्टाग्राम अकाउंट ये वाला है, botsuraj00। तो भाई इसी पे मैसेज करना अगर मेरे से बात करना हो, कॉन्टैक्ट करना हो, ठीक है। तो चलो यार, ड्रेस कॉम्बिनेशन की बात करें तो देख लो गाइज, हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन आज का क्या ही लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा और बोले तो खतरनाक लग रहा है। आप भी देख सकते हो भाई साहब, बहुत ही भयंकर लग रहा है। तो हमने ब्लैक पेंट यूज़ किया और भाई ये देखो, फर्स्ट वाला जो भैया पास आया था भाई, देखो हिडन ब्लास्ट ये वाला बंडल का हमने टॉप यूज़ किया था। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ड्रेस कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपके पास है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखो यार, भाई के पास टोटल 347 बंडल्स है, मतलब टॉप्स है, समझ लो। उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली बोले तो क्या बोलेंगे यार, 340 ऐसा करके पहन ही सकते हो। फिर देखो गाइज, ये कुछ मतलब बंडल है जो भाई ने स्टार मार्क करके रखा है, या टी शर्ट जो भाई को अच्छा लगता है पहनने में, मतलब खेलने में। तो आप भी अगर मतलब स्टार मार्क करके रखोगे तो आपको ढूंढने में मतलब बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखो पिक्सल ले वाला भाई, ये वाला जो हमारा बुया पास का बंडल था भाई ने ले रखा है। ये लिक्शर वाला देख लो गाइज, सॉरी भाई, ये लिक्शर वाला नहीं है, दूसरा वाला था। फिर ये अर्थ स्ट्राइकर वाला बंडल देख लो भाई, भाई के पास पूरा परमानेंट। फिर ये मैजिशियन हेड वाला बंडल भी है, तो भाई कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, लाइट पास का बंडल है। फिर हमारा आ चुका देखो भाई, ये देखो यार भाई, ये भी लाइट पास का बंडल है, ड्रैगन वाला। फिर देखो भाई, ये हेयर ऑफ डिस्पेयर आ चुका है गाइस, ये वाला बंडल भाई, ये मतलब फ्री में मिल रहा था ये न्यू ईयर में, ठीक है। तो गाइस जिसके जिसके पास है अभी, तो भाई रेयर हो ही चुका है, इनक्यूबेटर का बंडल था। फिर हमारा रॉकर स्टड वाला बंडल आ चुका है। तो भाई ऐसे ही करके भाई के पास बहुत सारे रेयर रेयर आइटम है। तो भाई हम लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और बढ़िया से कलेक्शन देखेंगे, आप लोग को भी तो पता चले भाई कलेक्शन होता है। तो बहुत सारे बंडल मतलब बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप लाओ, टॉप अप वाली लाइटी लाओ, बढ़िया वाली लाओ, मतलब कलेक्शन बढ़िया हो। तो भाई आ गई, देख लो यार, अब मजे करो। तो गाइस देख सकते हो गाइस, ये हमारा बिनिकॉन वाला बंडल है। फिर हमारा BTS वाला बंडल आ चुका है, जो ट्रिकी जोली वाला। फिर ये देखो भाई, नाइट मेरे वाला, ये भी बंडल BTS का भाई के पास अवेलेबल है। तो चलो यार, बहुत ही हार्ड। तो आगे बढ़ते और आगे देख सकते हो गाइस, ये वाला बंडल भी है, बेस रॉक वाला देख लो। फिर हमारा आ चुका है 6 वाला बंडल भाई, ये 6 वाला बंडल इनक्लूडर का बंडल है। तो भाई ये वाला भी बंडल भाई के पास परमानेंट है। तो भाई अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखो, बहुत मज़ेदार मतलब बंडल दिखेंगे आपको, बहुत सारा भयंकर कलेक्शन दिखेगा। तो उसके बाद देखो फुल लेदर वाला बंडल। फिर देखो तो बोले तो हम लोग देखो तो ओनी सोल मेकर वाला बंडल भाई, ये सोल बनाता है, समझ रहे हो ना, सोल बनाता है। आ रहा है मेरा जूस कहाँ गया, क्या बात है भाई, मज़े तो मुझे भी आ रहे हैं गाइस बंडल्स देखने में, क्योंकि भाई पुराना कलेक्शन देखने में मज़ा ही आता है। उसके बाद ये देखो भाई, मिस्ट्री शेकर वाला बंडल। फिर हमारा मास्टर ऑफ लाइफ आ चुका है। तो भाई के पास, अरे अरे भाई ये देखो यार, पुराना ओल्ड स्टार मतलब राइडर वाला देखो, ओल्ड इलाइट पास के बंडल भाई साहब। इसका हेयर स्टाइल भी बहुत ही ओपी लगता है और इसका भाई पेंट भी बहुत ही रेयर है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो भाई इसका पेंट पहन के बहुत ही खेलते हैं। देखो ये ट्रैप वाला इलाइट पास का बंडल है। फिर ये ऑपरेशन इलाइट भाई, सेकेंड यूनिवर्सिटी भाई साहब, क्या ही बात है यार, मज़ा आ गया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भाई केरी भाई की बात भी थोड़ा मान लिया करो। और देखो गाइस, हमारा टॉप गेमर वाला बंडल आ चुका। तो भाई साहब बंडल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार मेरे को तो देखने में भाई। ये 3-4 बंडल ऐसे दिख गए ना भाई, पूरा एकदम रेयर वाले और ओल्ड वाले, ठीक है। तो भाई ऐसा बात नहीं कि जो फ्री में मिला वो रेयर नहीं होता भाई, जो पुराना है ओल्ड है वो हमेशा रेयर है। जैसे गोल्ड की टी शर्ट वगैरह देख लो, जो भाई रैंक सीजन की गोल्ड की टी शर्ट भाई हमेशा रेयर रहती है, क्योंकि भाई वो रिटर्न आने वाली है नहीं, मुझे नहीं लगता भाई कोई रिटर्न देगा। तो गाइस वो तो रेयर है ही है, समझ दोस्तों। तो बाकी यार देख सकते हो गाइस, हमारा बोले तो ये नॉर्मल बंडल से जो रैंक टोकन वगैरह मिलते हैं। उसके बाद देखो ये कोवाल्ड एथलीट भाई, इसका मार्क्स बहुत ही ओपी लगता है। और गाइस हमारा आ चुका कमांडर वाला बंडल देख लो। फिर बोले तो ये प्रिजमेटिक वॉरियर। फिर ये प्रोस्टी बोश वाला बंडल। तो भाई इन सारे बंडल्स का ड्रेस कॉम्बिनेशन बनता है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे बंडल्स का ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है। अगर आप पिछली वीडियोज़ में जाके मेरी देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाता हूँ मैं, हर वीडियो में आपको एक ड्रेस कॉम्बिनेशन देने
देने की ट्राई करता हूँ और भाई अपना बेस्ट मतलब हमेशा हर वीडियो में देने की ट्राई करता हूँ। तो बोले तो आगे देखते और आगे बढ़ते और देखो यार ये लाइम पाइथन वाला बंडल, फिर ये ब्लू ब्लास्टर वाला बंडल, जो क्रिकेट लवर है उनके लिए तो चांदी चांदी ये वाला बंडल आप पहन के खेल सकते हो। अभी वर्ल्ड कप का भी सीजन चल रहा है भाई, इसका देखो भाई ये रोकर वाला देख रहे हो यार, ये बोन बूस्ट रोकर वाला, इसका हमने हेयर स्टाइल यूज़ किया था भाई, जो हेड यूज़ किया था भाई इसका हेयर स्टाइल और टॉप जो यूज़ किया था बहुत ही बड़ी खतरनाक लग रहा था, एकदम भयंकर वाला। तो भाई ड्रेस कॉम्बिनेशन में इसका हेयर स्टाइल हमने यूज़ किया था। बाकी यार ये डायनामिक डुओ का जेंटलमैन वाला बंडल देख लो भाई, उसके बाद देख सकते हो गाइस ये रोमर वाला बंडल, फिर भाई ये देखो भाई ये डिस्को फिस्को जो भाई गोल्ड रॉयल में मिला था भाई, बहुत पुराना था भाई, मुझे याद है अब मैंने उठाया यार भाई, तो यार कम से कम दो साल तो हो ही गए होंगे भाई। इसके बाद देखो सिल्वर समुराई इंक्लूडर का बंडल जो मैजिक क्यूब में मिल रहा होगा या फिर फ्री में मिल रहा था भाई साहब। उसके बाद हमारा लेब जाइंट आ चुका, ये भी इवेंट वाले बंडल है जो फ्री में मिल रहे थे, हमने भी उठाया, हमको याद है ना यार, आपने उठाया तो आपको भी याद होगा। फिर ये देखो भाई साहब हमारा आ चुका अज्जू भाई का जो लेदर फुल लेदर वाला टॉप, फिर ये सीजन 11 12 का भाई टी शर्ट वगैरह, सीजन 10 का गोल्ड का टी शर्ट भी है भाई के पास। तो भाई एड रेयर है, ऐसी बात नहीं है कि भाई आज की है भाई, बहुत पुरानी है, सिरैंक सीजन 10 की है, गोल्ड की टी शर्ट है, मतलब समझ सकते हो दोस्तों। फिर देखो ये लव मतलब क्या बोले लव इन द एयर भाई, उसका पूरा पूरा टॉप है जिसका पेंट पहले बहुत ज़्यादा मतलब बंदे पहन के खेलते थे यूज़ होता था। फिर ये निलोटिक वाला बंडल देख लो गाइस, फिर हमारा आ चुका देखो गाइस यंगस्टर वाला बंडल भाई, इसका सिर्फ टॉप ही है भाई के पास। फिर हमारा आ चुका देखो रिच वाला बंडल का भी टॉप है भाई के पास, और भाई ये स्केलेटन मैजिशियन भाई इसका भी क्या ही बोलेंगे, इसका तारीफ करके भाई हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि ये सारे बंडल बहुत ही रिपीटेड भाई, ये कमांडो वाला जैसे बहुत सारे बंदे पहन के खेलते थे, मैं खुद ये देखो मेम्बो भाई मेम्बो इसको हम लोग बोलते थे। तो भाई ये बहुत सारे बंडल है जो भाई पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं भाई, वो दिन ही कुछ अलग थे। बाकी यार ये टी शर्ट वगैरह देख लो गाइस, ये टी शर्ट वगैरह मतलब वेस्ट हाइड नहीं करता, तो भाई इसको मैं प्रीफर नहीं करता, तो इनको भाई मैं इग्नोर ही मारता हूँ, छोड़ो यार दोस्तों, ये लोग भाई बाय बाय करते हैं टट्टा, और हम लोग देखते हैं आगे का कलेक्शन। तो अगर सूट की बात करें तो ये फिनोमिक्स ब्लू फिनोमिक्स देख लो गाइस, ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी पहन के आप बढ़िया सा मतलब खेल सकते हो। फिर देखो ये जोकर वाला भाई इसका तो कोई मतलब क्या बोलेंगे, इसको पहन के कोई खेलता नहीं है। फिर ये गणपति बप्पा मोरिया भाई, मेरा तहे दिल से प्रणाम भाई, वीडियो को जल्दी से 1 मिलियन क्रॉस करवा दो। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे भाई, उपकार तो रहेगा हमेशा, क्योंकि ऊपर वाला है जो देता भाई छप्पड़ फाड़ के देता है, और आप लोग का प्यार भाई छोड़ेगा नहीं, मुझे एक दिन जरूर बड़ा आदमी बना के रखेगा। बाकी यार देख लो ये क्रोमोसोनिक वाला भाई के पास ईवो घोड़ा है, तो भाई उसके बाद भाई इक्की की बात करें देखो ब्लू फ्लेम ड्रैगो भी है भाई के पास, तो बहुत ही हार्ड। तो बाकी यार चलो देखते हैं हम लोग डॉर्बल आर्मरी में और क्या है भाई। बोले तो भाई इंफ्रंट की बात करें देखो सात स्किन भाई, वो स्क्रॉचिंग सेंट वगैरह भी भाई के पास है जो बहुत ही अच्छा है। एक के बारे में देखो यूनिकॉर्न रेज ये वाला भी है, बढ़िया है भाई, और भाई ब्लू फ्लेम ड्रैगो तो है ही है। फिर बाकी स्कारल में पेंथम एसोसिएशन वाला है, फिर बाकी देख सकते हो ग्रोजा वगैरह भी भाई टोटल 5 स्किन है, फॉर्मस वगैरह की 6 स्किन है भाई, एक्समेट के भी 4 स्किन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, पुराना कलेक्शन है तो भाई जलवा तो होगा, बोले तो जलवा है हमारा, ठीक है। तो बाकी यार देख लो गाइस AN4 के भी 3 स्किन है, और प्लाज्मा वगैरह की 2 स्किन है, अग वगैरह की 5 स्किन है, तो स्किन्स में कोई कमी नहीं है भाई, भर भर के ठूस ठूस के लिया गया है भाई, मतलब कलेक्शन कलेक्ट किया गया भाई, ऐसे ही नहीं मिलता ना। किंगफिशर वगैरह के भी 4 स्किन है भाई, 4 स्किन होना भाई, ये न्यू गन्स की G36 वगैरह देख लो, SKS SBD वुडपिकर वगैरह सब कुछ के भाई के पास स्किन है। तो चलो यार चलते हैं हम लोग SMG सेक्शन देख लेते हैं। भाई MP की बात करो तो टोटल 6 स्किन है भाई, वो डबल डैमेज वाला भी है, और भाई देखो भाई MP5 के भी 7 स्किन है टोटल भाई, MP40 को क्रोमोसोनिक में मिल जाएगा, तो भाई बहुत ही हार्ड बहुत ही बढ़िया, चलो यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। P90 के भी 7 स्किन है, और बोले तो देखो विक्टर वगैरह थम्सन वगैरह के भी 1-1, 2-2 स्किन है, तो मज़ा आया भाई मेरे को भाई कलेक्शन देख के, ठीक है एकदम से सारे। यार आपको मजा आया कि नहीं कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यार दो नली की बात करें तो भाई दो नली तो है नहीं भाई के पास, और तो चलो स्नाइपर वगैरह देख लो गाइस, ये देखो भाई एडल वगैरह जो भी है बढ़िया है, और भाई चलते हैं बाकी का देख लेते हैं भाई, भाई फिस्ट वगैरह है कि नहीं भाई के पास, फिस्ट वगैरह भी देख लेते हैं, तो ये कटाना प्रंग वगैरह देख लो। बाकी फिस्ट की बात करें तो भाई के पास फिस्ट अवेलेबल नहीं है। ग्लूअल वगैरह की बात करें तो 7 स्किन है भाई टोटल, जिसमें से भाई कुछ कुछ टॉपअप है कुछ कुछ नॉट टॉपअप है, तो भाई जो भी है भाई ने उठा कर रखा है भाई संभाल के, तो यही बहुत बड़ी बात है। चलो यार बहुत ही हार्ड बढ़िया बहुत हार्ड, चलो
और आगे बढ़ते और आगे भाई हम लोग देखते हैं इमोट कलेक्शन को कैसे भूल सकते हैं। तो भाई इमोट कलेक्शन की बात करें तो देख लो यार गाइस, भाई के पास लेजेंडरी इमोट्स भी भरे पड़े हैं भाई। चलो यार 36 इमोट्स है जिसमें से भाई ये देखो वो वाला डांस वाला इमोट था। फिर हमारा आ चुका भाई ये बाइट माइंटिंग, भाई ये वाला गधे के ऊपर डांस कर रहा है। फिर देखो ये सेल्फी वाला इन्फ्लुएंसर वाला डांस। फिर भाई वो रील बनाने वाला जो था, उसके बाद देख लो गाइस हमारा आ चुका है कुंफू वाला। और भाई ये लेजेंडरी इमोट है भाई जो ये गाड़ी के ऊपर डांस करता भाई, ये देखो भाई ये वाला मस्त था भाई। उसके बाद देख लो गाइस भाई के पास रोज़ वाला इमोट भी है। तो भाई किसी को प्रपोज करना चाहता तो भाई ये रोज़ वाला इमोट बहुत ही काम आता है। तो भाई के पास लोल इमोट भी है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तो भाई इमोट कलेक्शन में भी तगड़ा है। तो यार अभी बाकी है भाई, लेजेंडरी इमोट खत्म नहीं हुए भाई। ये बिग स्मैश वाला है भाई, भाई ये कौन सा भाई नया देख रहे हैं हम लोग, ये भैया बलून भाई, ये बलून वाला, वो बलून फूटता है तो भाई ये लिखा हुआ आता है। और ये पापा की परी वाला पैराडॉक्स का इमोट, तो भाई ये तो भाई चलो चल बढ़िया ही है। तो यार टोटल बोले तो भाई अच्छा कलेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आप वीडियो में नए हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक वाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, सपोर्ट करो मेरे भाई लोग। और अगर भाई आप मेरे ऊपर भाई ट्रस्ट करना चाहते हो तो भाई आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई हम किसी के साथ भी कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं दोस्त। और अगर आप मेरे साथ कुछ भी गलत काम करना चाहोगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यार दोस्तों आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, हम लोग बिल्कुल किसी के साथ भी कुछ भी गलत काम नहीं करते दोस्त। हाँ तो चलो यार वीडियो को देख लेते हैं, बढ़िया से इमोट वगैरह। और भाई जैसे कि ये देखो डैब वाला इमोट, फिर देखो ये क्लैप कर रहा है भाई, ताली बजा रहा है यार दोस्तों। तो भाई बाकी बैकपैक वगैरह की बात करें तो टोटल 69 बैकपैक है भाई। ये कौन सा बैकपैक भाई, मज़ा आ गया देख के। ये भाई ये कंकाल वाला बैकपैक भाई मज़ा आ रहा है यार, विंग्स लगे हुए हैं। फिर लूडोस की बात करें तो भाई 54 है लूडोस की, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आगे बढ़ते और आगे देखते हैं भाई, सर्फबोर्ड वाला स्काइविंग वगैरह भी सब कुछ है। स्काइविंग नहीं है यार गाड़ी वगैरह की बात करें तो आप लोग मैकलरेन वाली गाड़ी देख सकते हो, जस्टिन बीबर वाले देख सकते हो, BTS वाली भी है भाई। ओ हो भाई ये मनी हाइस्ट वाली भी थी। बाइक वगैरह के भी नो स्किन है। बाकी यार ये जीप वगैरह देख लो, ऑटो फोटो। फिर बाकी टोकन वगैरह भी देख लेते हैं भाई। टोकन की बात करें तो भाई एलिवेशन स्टोन 3 है, और भाई मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट 104 है, मतलब एक मैजिक क्यूब पक्का मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ये रैंक टोकन भाई, ये देखो रैंक टोकन बहुत सारा है यार, FF टोकन वगैरह है। चलो यार गाइस तो फाइनली कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू गाइस। आपका ऐसा ही प्यार देते रहना हमेशा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।